वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसे अब पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। राशि जो हम लोग बराबर करते रहते थे, वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य के बेरोजगार युवकों को सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव, राज्य के वैसे स्नातकोत्तर बेरा युवक जिन्होंने विगत 3 वर्षों के अंदर डिग्री प्राप्त की एवं जो राज्य के योजनाओं में निबंधित हैं और प्रयास करने के बावजूद बेरोजगार हैं, उन स्नातकोत्तर युवकों को 2 वर्ष के लिए क्रमशः 5,000 रुपये तथा 7,000 रुपये सहायता राशि प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021 में 146 करोड़ रुपए की का प्रावधान, मुख्यमंत्री कहना के अनुरूप 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा राज्य योजना मत कराया जाने का प्रस्ताव, अतिरिक्त शामिल किए जाने वाले परिवारों के 1 लाख रुपए तक की राशि का वाहन बीमा कंपनी, चिकित्सा में 1 लाख रुपए से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक की राशि में से 50% राशि लाभुकों द्वारा इलाज के उपरांत अस्पताल को डिस्चार्ज के पूर्व भुगतान की जाएगी तथा अवशेष 50% राशि सरकार द्वारा अस्पतालों को भुगतान की जाएगी। इस तरह राज्य की 92% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा से आधारित हो जाएगी। यूनिट तक मुफ्त बिजली सरकार के द्वारा 300 यूनिट से कम, ध्यान रखिए 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करने का प्रस्ताव, 300 से कम जो करेंगे उनको ज्यादा बढ़ जाएंगे तो नहीं।